हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज मॉर्निंग में मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। और सैंडविच कैसे मैं बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सैंडविच कैसे बनाई है। और आप लोग देखो, मेरा ये ठीक ही हो गया लगभग। आज पेन नहीं है, आज अच्छा लग रहा है। सो मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, चलिए आप लोगों को दिखा भी दूंगी। और उसके बाद मेरा जो लंच का प्लान है वो ये है कि जो मैं लंच बनाऊंगी, तो लंच में आज मैं बनाऊंगी महेरी। आप लोग खाते हैं क्या महेरी? किस किस ने खाया है और किसके किसके घर में बना है, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना आप लोग। महेरी बनती है छाछ की, छाछ की महेरी बनती है। और उसको मैंने कैसे कैसे बनाया है, मतलब अभी तो मॉर्निंग है, अभी तो मैं ब्रेकफास्ट ही बनाऊंगी। मैंने महेरी कैसे कैसे बनाने का प्लान किया है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। अब आप अपने स्टाइल में जैसे भी बनाते हो, बट मैं जैसे बनाती हूँ आपको दिखाऊंगी ज़रूर। आज मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड लंच आप लोगों के साथ चलें। गाइस, ये मैं बनाने वाली हूँ आज सैंडविच। ये आप देख सकते हैं, ये तो एप्पल रखी हूँ, एप्पल खाऊंगी एक। और ये ब्रेड है, चार ब्रेड लिए हैं मैंने, ये बीच में पूरा सब भर दूंगी, ये जो काट के रखा है मैंने। और ये चीज़ है, तो दोनों में एक एक चीज़ ऐड डाल दूंगी बीच में। और ये सॉस है, तो सॉस भी ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लगेगा। सो गाइस, ये मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस लगा दिया है, और ये मैंने थोड़ा मैगी मसाला डाला है इसमें, और मैं इसमें अभी लगा दूंगी सारी सब्जी। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी काट लिया था मैंने ऐसे स्लाइस में, और मैं ये इसमें ऐड कर दी अभी सारा। और ऊपर से ये थोड़ा सा धनिया की पत्ती भी ऐड कर दूंगी। और ये अब मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी, मैगी मसाला वाला, मुझे ये अच्छा लगता है, आपके पास जो भी हो वो ऐड कर सकते हैं। इससे क्या है, टेस्ट ना थोड़ा अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर, जितना आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। ये ब्लैक पेपर लिया है मैंने, और ये ऊपर से अब मैं ये चीज लगा दूंगी दोनों में। अभी ये मैंने एक साइड रेड चिली सॉस, सॉरी ग्रीन चिली सॉस लगाई थी, और एक साइड ये रेड सॉस लगा दी हूँ, टोमेटो सॉस। और अब मैं इसको ऊपर से इसमें ऐसे लगा दूंगी दोनों में। एंड गाइस, ये मैं बनाने वाली हूँ ये नॉन स्टिक तवे पे, क्योंकि माइक्रोवेव अभी चल नहीं रहा है मेरा, तो ये मैं नॉन स्टिक तवे पे बनाने वाली हूँ। इसमें भी बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया था नीचे, ताकि लगे नहीं, और टेस्ट भी ना इसका अच्छा आता है। ये मैं दोनों पीस रख दूंगी इसमें, और मेरा ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा ये। और ऊपर से मैं ये ढक दूंगी इसमें, ताकि थोड़ा भाप बन जाए, तो जो सब्जियां मैंने ऐड करी हैं वो पक जाए। एंड गाइस, ये एक साइड मैंने चाय टंगा रखी है, और एक साइड ये मेरा सैंडविच बनके हो चुका है रेडी। ये देखिए पनीर, जो मैंने चीज डाला था ना इसमें, कैसे बढ़िया से ऐड हो गया है। सो गाइस, कम्प्लीटली ये मेरा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है, ये देखिए बहुत ही यम्मी। एंड ये मेरी चाय भी बनके हो चुकी है रेडी। मेरा ब्रेकफास्ट आज कम्प्लीटली बहुत ही हेल्दी हुआ है, एक एप्पल और सैंडविच। अब दोपहर में इतने जल्दी ना मुझे भूख भी नहीं लगने। आप ये देख सकते हैं,
मैं जा रही हूँ अभी कर्ड लेने, नहेरी बनाना है यार। मेरे रूम से थोड़ा दूर पे है यार डेरी, जहाँ से मुझे दही लेना है ना, तो जा रही हूँ वहीं पे दही लेने के लिए। गाइस मैं कर्ड लेके आ गई हूँ, ये मैंने उसका छाछ बना लिया है और ये मैं इसमें बनाऊंगी अभी मेहरी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये इतना दही बच भी गया है मेरा, तो इसको रख दूंगी, किसी काम में आ जाएगा। ये देखिए बढ़िया छाछ बन गई है ना, मस्त एकदम। सो गाइस ये मेरी मेहरी बनके रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और इसमें ऐड कर दी हूँ मैं धनिया की पत्ती, अभी थोड़ा कम लग रही है तो थोड़ा और ऐड कर दूंगी मैं ये। और अभी इसमें मैं तड़का लगाऊंगी, किसका तड़का वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड गाइज ये है पुदीना, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी मेहरी में, वो उसका रीजन ये है कि इससे फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। एंड गाइज ये पुदीना के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा पहले ऐड कर दिया था मैंने, ये देखिए इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये जो पुदीने का फ्लेवर होता है ना छाछ में, मेहरी में, दही में, और जब आप कर्ड राइस बनाते हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा आता है। और ये मेरी मेहरी बन के रेडी हो चुकी है गाइस। ये है अमूल का फ्रेश क्रीम, ये मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करिए और अगर आपका मन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस ये मैंने निकाल लिया है इसमें क्रीम, फ्रेश क्रीम अमूल का है, और ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, इसे टेस्ट बहुत ही लजीज लगेगा। और अभी मैं इसमें तड़का भी लगाऊंगी। एंड गाइस ये मैं ले रही हूँ देसी घी, देसी घी का तड़का इसमें अच्छा लगेगा। ये अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, बट मैंने देसी घी लिया, इसका तड़का इसमें अच्छा लगेगा। और ये आप देख सकते हैं इसमें लिया है मैंने जीरा, अब क्या है कोई पकड़ने वाला है नहीं ना कैमरा, तो एक हाथ से मैंने ये पकड़ा हुआ है जिससे तड़का लगा रही हूँ। तो ये मिर्ची है सूखी, तीन मिर्ची ली थी मैं, और मैंने लहसुन ऐड किया है और जीरा, तीनों चीज़ें मिलाई है मैंने इसमें, और इन तीनों चीज़ों पर तड़का लगाऊंगी मैं अपने खिचड़ी पे, खिचड़ी मतलब मेहरी पे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और गाइस ये मैं लगा दूंगी इसमें, ये थोड़ा सा ढक दिया मैंने, नहीं तो पूरा निकल जाता तड़का और खांसी आती, अलग से छींक आती है ना। सो ये आप देख सकते हैं ये लग चुका है तड़का, वाओ। सो मेरी मेहरी बनके कम्प्लीटली हो चुकी है रेडी, अब ये खाने के लिए तैयार है। सो गाइज आपने देखा कैसे बनाया मैंने मेहरी, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। सो ये देखिए मैं लेके भी आई हूँ अपने खाने के लिए, वाओ अमेजिंग टेस्ट है, अमेजिंग, मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना टेस्टी लग रहा है। वाह आज अपने ही हाथ चूमने का मन कर रहा है कि मैंने मेहरी बहुत शानदार बनाई है। सो गाइस ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको चाहे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और अगर आप लंच पे खाना चाहें तो लंच पे खा सकते हैं। बहुत ही हल्का फूड होता है ये, और सबसे अच्छी बात होती है कभी भी अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाए या आपको ऐसा लगे कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप छाछ से ये मेहरी बना के खा सकते हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, पेट हल्का रहेगा, और ये नुकसान भी नहीं करता है। और जो छाछ की तासीर होती है वो तो ठंडी होती है, तो पेट के लिए तो वो बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों में तो एक एक ग्लास करके बढ़िया उसमें थोड़ा जीरा नमक मिला के और हरा धनिया पाउडर मिला के
सॉरी हरा धनिया का जो पत्ती होती है वो थोड़ा बारीक काट के उसमें डाल के और बढ़िया मसालेदार छाछ पीते हैं।